उपराज्यपाल ने सहयोगी सदस्यों व सियासी दलों को दी बड़ी सलाह, संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर न उठाए सवाल, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर दर्ज करवाएं आपत्ति। रियासी प्रशासन और बारीदारों के बीच पीएमओ के दिशा निर्देश पर हुई बैठक घिरे विवादों में, बारीदार संघर्ष समिति ने लगाया अपमानित करने का आरोप, बैठक का बहिष्कार कर किया गुस्से का इजहार। पुंछ के नगाली साहिब ब्लॉक में बदइंतजामी की भेंट चढ़ा मिशन यूथ कार्यक्रम, कार्यक्रम में यूथ की बजाय कुर्सियों पर पसरे सरकारी मुलाजिम, 2 मार्च को फिर से किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले सहयोगी सदस्यों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से बड़ी सलाह दी है। उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर उंगलियां उठाने वाले सहयोगी सदस्यों व सियासी दलों और आम लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल न उठाने की सलाह दी है। जम्मू के बजालता इलाके में आज पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में देते हुए यहां पूरी तरह से आप देखिए सलाह किस तरह से दी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने की भी सभी को आजादी है, लिहाजा सहयोगी सदस्यों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी चाहिए। मैं पहले भी इस बात पर बता चुका हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आजादी देता है बोलने की, और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती हुई तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी। जिला रियासी प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बारीदारों के बीच आज हुई बैठक विवादों में घिर गई है और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर जिले के डीसी चरणदीप सिंह को भी यहां बारीदारों के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास में लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बैठक शुरू होते ही बारीदार संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में जिन बारीदारों को आमंत्रित किया गया है वो पिछले कई सालों से श्राइन बोर्ड के साथ व्यापार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बुलाकर श्राइन बोर्ड ने संघर्ष समिति का अपमान किया है। मीडिया के माध्यम से जो बताना चाहता हूँ, इसमें जो है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो बारीदारों की तरफ से के, मैं आपको सब मीडिया के बंधु जानते हो कि बारीदारों को लेकर बारीदार संघर्ष कमेटी पिछले कई सालों से फाइट कर रही है, लेकिन जहां पे एक मजाक बनाया गया उन लोगों को जहां पे बुलाया गया जो श्राइन बोर्ड के साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और इन ये जो पब्लिक ये जो बारीदारों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जहां पे शो किए गए हैं इनमें से तो 4 तो ऐसे हैं जो बारीदारों ऑलरेडी वो श्राइन बोर्ड के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जहां पर बुलाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बारीदारों का अपमान किया है और जहां पे बारीदारों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया, जब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी इसका विरोध करती है, क्योंकि आगे ही हम बड़े लेट हो चुके हैं। 2014 की रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला था, उसके बाद 7 साल के बाद आज बात होने शुरू हुई, तो एक साजिश के तहत। मैं नहीं कहता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जहां पे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब की तरफ से हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से ये साजिश हुई है। ऐसे लोगों को वहां पे बुलाया गया जो कि बारीदारों को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते और बारीदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव असली थे उनको जहां पे न्योता नहीं दिया गया, और मुझे एक सिंगल आदमी को जहां पे बुलाया भी गया वो भी एक इस तरीके से जर्नलिस्ट में डाल के, तो ये मैं कहता हूं इसकी एक मजाक है और ये बारीदारों के साथ एक पूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारीदार जो है आप सब मीडिया के लोग भी जानते हो, बारीदार जो है वो 4 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनमें द्रोड़ा, सनमोत्रा, खासा और मणियोत्रा, और खासा और मणियोत्रा कम्युनिटी से एक भी आदमी को जहां पे इनविटेशन नहीं दी गई। तो पुंछ के नगाली साहिब ब्लॉक में ही मिशन यूथ के तहत आज आयोजित एक कार्यक्रम से यूथ नदारद रहा। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई कुर्सियों पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही नजर आए और आलम यह रहा कि कई विभागों के अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, यहां तक कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम के आयोजन की भनक तक नहीं लगी और इस पूरी बदइंतजामी की पोल खोली गई बीडीसी चेयरमैन नजीर गुजर की तरफ से। उनका कहना था कि मिशन यूथ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले इसका प्रचार न होने से कई युवा इसमें भाग लेने से वंचित रह गए, और तो और जनप्रतिनिधियों के साथ भी प्रशासन ने छलावा किया। उधर इस बदइंतजामी की वजह से यहां पर जो जानकारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और जानकारी मिलते ही पुंछ के एडीसी अब्दुल सतार तक यहां पहुंची हैं, तो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी 2 मार्च को फिर से करने का ऐलान कर दिया।
ये यकीन दहानी कराई है कि आज का प्रोग्राम जो है ये एक फेलियर प्रोग्राम था और जो स्टाफ उसमें नहीं था, जिसने लापरवाही की, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज के बाद जो डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होंगे वो पूरे इफेक्टिव प्रोग्राम होंगे, जिसके तहत यूथ को ये पता चले कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन कौन सी स्कीमें रखी है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें हैं उनको यूथ तक किस तरह पहुंचाया जाए। हमारा पहला प्रोग्राम आज नंगाली साहब में था, तो अब जो हमारे BDC चेयरपर्सन हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि एक प्रोग्राम उनके यहाँ और रखा जाए इसी तरीके का। तो हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो 2 तारीख को, वेन्यू वो खुद डिसाइड करेंगे, 2 मार्च को हम वहां पे करेंगे, जो जिसमें हम पूरे यूथ्स को और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के साथ साथ हमारा जो दूसरा जो सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग डेवलपमेंट और फीडबैक फ्रॉम यूथ्स, देन ड्रग एडिक्शन को लेकर और जो दूसरी बुराइयां समाज में हैं जिसको लेकर हमारा यूथ आज इन्वॉल्व है, उन सब को लेकर ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम हमारा 2nd of March को ब्लॉक जो है नंगाली साहब है उसमें होगा। तो जम्मू कश्मीर में 27 फरवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम जिलों में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है और 5 साल तक का कोई भी बच्चा 2 बूंद जिंदगी से महरूम ना रहे, इसके लिए राजौरी में भी आज जिला टास्क फोर्स की एक बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता जिले के DC विकास कुंडल ने की। उन्होंने बताया कि राजौरी में करीब 1,10,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जानी है, जिसके लिए की गई व्यवस्था की आज यहां पर जानकारी ली गई। टास्क फोर्स है, कितनी हमारे सेंटर्स हैं, कितने हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हमारे में डिटेल में हमने बात की है। उसके बाद जो हमारे जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनको हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है। तो उन सब चीज़ों को लेके हमने आज डिस्कशन की है। मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लगभग जो 1,10,000 का टारगेट है जिसे हमें 27th को पूरा करना है, उसे हम पूरा कर पाएं, उस पर आप हमारा मैसेज घर घर तक ले जाएं। 0 to 5 years के बच्चे इसमें कवर्ड हैं। तो बिश्नाह के गांव हरसा दब्बड़ में आयोजित 3 दिवसीय संत सम्मेलन का आज समापन हो गया है। संत सम्मेलन की आखिरी दिन की आज यहां पर जो बैठक हुई, संगत हुई, उसमें मौजूद संगत को संतों ने अपने प्रवचनों से भी निहाल दिया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर यहां मौजूद रहे। सब मेरी बेटी राधा का रूप बना करके शहरों मैं यहाँ रहूंगी तो तुम ऐसी भेष में बैठी राधा को देख के देखते ही रह गया बेटी, तुम मुझसे बहुत मगित कर। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पर जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये संदेश दिया गया कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से भी कैंसर से निजात पाई जा सकती है। तो जम्मू के यहां SMGS अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस दिन को धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा उन लोगों ने भी भाग लिया जो कैंसर पर फतह पा चुके हैं। में ये एक अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें पूरी टीम का जो कोऑपरेशन है, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गई, बच्चे हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, ये सारे मिलजुल के एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, कैंसर के कुछ मरीज जो क्योर हो चुके हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उनको भी बुलाया था, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल जाए और उनका भी मार्गदर्शन हो कि हम कैसे मिलजुल के इस बीमारी से बच्चों को इलाज पूरा दे सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ावा दे सकते हैं। तो डोडा के नगरी इलाके में आज एक मकान के ऊपरी मंजिल में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से इलाके में सनसनी फैल गई और इस घटना में वहां रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अलबत्ता गनीमत यह रहा कि यहां इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। इसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
स्वास्थ्य विभाग ने सुरनकोट की आवाम से जल्द अपनी सेहत कार्ड बनवाने की अपील की है। सुरनकोट की बीएमओ के मुताबिक यहां सुरनकोट के अधीन आने वाले 45 गांव में प्रशासन द्वारा एक एक कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था करके यहां पर रखी गई है। इसके अलावा यहां पहुंचकर अपने सेहत कार्ड नहीं बनवा रहे हैं लोग, और उन्होंने बताया कि सुरनकोट की 40% जनसंख्या अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाई है, जिससे जल्द से जल्द इसका फायदा लेना बहुत जरूरी है और आम जनता को चाहिए कि आगे बढ़कर इसका लाभ लिया जाए। सुरनकोट के 45 जो विलेजेस हैं, हर विलेज में गवर्नमेंट ने एक कॉमन सर्विस सेंटर वाला रखा हुआ है जो कार्ड बना रहा है, तो लोग जो है वहां पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि लोग जितना जल्द हो सकता है, अभी तक हमारे जो सुरनकोट में 60% लोगों के कार्ड बने और 40% लोग पेंडिंग हैं, और वो वही लोग होंगे जिनमें कार्ड नहीं बनवाए, तो वो सोशल मीडिया की सपोर्ट ले रहे हैं। तो बजाय उसके कि वो ये कोशिश करके अपने कार्ड बनवा लें, हमने वीएलईज भी रखे हुए हैं, उसके बाद हमारे हेल्थ केयर हो गया मित्रा भी कुछ जगहों पर हम भेज रहे हैं, तो जिन लोगों की नाम आईडी मौजूद हैं वो कार्ड बनवा लें, जिनके आईडी मौजूद नहीं है वो हमारे हेल्थ से कॉन्टैक्ट करें और हम उनको फार्म देंगे, वो फार्म भर के अपना आईडी क्रिएट करवा लें ताकि उनका भी कार्ड बन जाए। समाज सेवक व भाजपा नेता चंचल सिंह ने भलवाल ब्लॉक की दो बेटियों के हाथ पीले करने के उनके परिवारों की मदद करने के लिए आगे आकर यहां पर काम किया है। आज समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है। उन्होंने आज इन दोनों परिवारों को बेटियों की शादी के लिए राशन व अन्य जरूरी सामान मुहैया करवाया और जरूरत पड़ने पर और भी मदद करने का आश्वासन दिया। ब्लाक का रहने ना, अज इस भलवाल ब्लाक दा विच दो जगह पर बेटियों की बच्चियों के ब्याह की जिहड़ी मदद की गई है, ग्राम कैंका और ग्राम बन बच्ची का राशन दिता। इस मौके पर साढ़े गुरु बाबा रविदास जी का जन्मदिन है कल 16 तरीक, और इस पुन्न के टाइम पर मैं लख लख बधाई दिना पूरे अपने भारत की, पूरे जम्मू कश्मीर की, भाई गुरु बाबा रविदास का जन्मदिन है जिहड़ा असें बड़े खुशियों कन्नै मनाना चाहिए। पुंछ पुलिस ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों से सहयोग मांगा है, और पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर भी अफवाहें ना फैलाने की अपील की है ताकि जिले की शांति व्यवस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। और मेंढर के डेरा डबसी इलाके में रविवार को बरामद हथियारों के मामले की जांच शुरू करने के बाद एसएसपी रोहित बसगोत्रा ने लोगों से यह अपील की। उन्होंने संदिग्धों पर भी पैनी नजर रखने वाले पर बल देते हुए कहा कि संदिग्ध देखने पर लोग पुलिस के साथ सीधा संपर्क करें और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यह भी बताएं कि मेंढर के डेरा डबसी इलाके में यहां सुरक्षा बलों ने रविवार को एलओसी के नजदीक एक एके 47 राइफल और एक एके मैगजीन, दो पिस्टल मैगजीन यहां बरामद किए थे। कोई भी फोर्स चाहे बॉर्डर पर आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, और मैं पुंछ वासियों को पूरा एश्योर करता हूं कि हम दुश्मन के किसी विचार को कामयाब नहीं होने देंगे, पूरा अमन मान रहेगा। लोगों से मेरी यही तवक्को आता है, मेरी यही उनसे अपनी दरखास्त है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, अपने आसपास कोई मशकूक चीज देखे तो हमें बताएं। सोशल मीडिया पर मैं एक बात करूंगा, सोशल मीडिया का कई लोग गाहे बगाहे, उनको पता नहीं चलता कि ये खबर कहां से आई है, कहां से नहीं आई है। हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, उसका पालन करें। कोई चीज आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वैलिडिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी सच्चाई को चेक करवा लें। हम इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम बाकी कुछ और कामों के लिए भी एडवाइजरी इशू करेंगे, जिसमें लोगों को अपने डेली रूटीन के काम में आसानी मिले। कश्मीर घाटी में आज करीब 3 सालों के बाद कॉलेज खुलने से हर कैंपस में फिर से रौनक लौट आई है। कॉलेज खुलने से स्टूडेंट्स ने भी राहत की सांस ली, तो यहां आज पहले दिन से ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती के साथ पालन करवाया गया। वैक्सीनेशन करवा चुके स्टूडेंट्स को ही भीतर दाखिल होने की इजाजत दी गई, और इसके अलावा अन्य एहतियात तौर पर भी यहां पर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कराया गया। कॉलेज खुलने से स्टूडेंट्स ने भी राहत की सांस ली, जिनका कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रही थी, अब उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। अभी मैं इसको ले रहे हैं क्योंकि जो हमें ऑनलाइन में टीचिंग मिलती है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है जो जितनी ऑफलाइन में होती है।
इसका ही हम इंतजार कर रहे थे कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है, एक गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, मास्क का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक है यहाँ पे, और बहुत खुश हैं हम इससे कि कॉलेज अभी ऑन है। तो आपको लगता है कि हमें स्ट्रिक्टली जो है कोविड SOPs फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे जाके स्कूल या कॉलेजेस बंद ना हो? जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये फॉलो करें आगे भी, ताकि ऐसी फिर कोई वेव ना आए जिससे कि हमारा एजुकेशन सेक्टर फिर से इम्पैक्ट हो और फिर से बंद हो, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। मेरा नाम दानिश, मैं बिमला में रहता हूँ जी। आज बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज कॉलेज आए हैं और यहाँ पे हमें SOPs फॉलो करने पड़ रहे हैं, ग्लव्स मास्क वास्क सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो आज हम आए बहुत दिनों के बाद। पर ऑनलाइन क्लास होती नहीं थी, नेट इशू आ रहा था, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास उतनी अच्छे से नहीं जा रही थी जितनी कि हम ऑफलाइन आ रहे, तो उससे बेहतर है ऑफलाइन। फिर हमें पहले जैसे हम गेट से एंटर करें पहले मास्क देखते हैं, हमारी कोविड सर्टिफिकेट देखते हैं कि हम है पॉजिटिव वॉजिटिव कुछ मत है, और अच्छे से टेस्ट वेस्ट करें फिर अंदर छोड़ रहे। मैं खुद गेट पर वहां पर मौजूद था, मेरी फैकल्टी मौजूद थी, मेरा स्टाफ मौजूद वहां पर। आज बच्चों को हमने ये सर्टिफिकेट चेक कर ली और इसके साथ साथ हमने बच्चों का थर्मल स्कैनिंग भी कर लिया, क्योंकि मैंने वो फैसिलिटी रखी है। मेरे जो कॉलेज के बच्चे हैं तकरीबन सभी बच्चों ने फर्स्ट डोज किया है, अब हम दूसरे कई बच्चों ने दूसरा डोज किया है, कई बच्चों ने अभी नहीं किया है। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डाटा थ्रू गूगल फॉर्म अपने कॉलेज के बच्चों का जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, मैं वो डाटा कलेक्ट कर ले अथॉरिटी के साथ बात कर लूं ताकि सेकंड डोज के लिए यहां पर स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव किए जाए उन बच्चों के लिए। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं, बच्चों का सेहत और हाइजीन कंडीशन मद्देनजर रख के मैंने कल ही म्यूनिसपलिटी से फ्यूमिगेशन गाड़ी मंगा दी थी, हर एक अमर क्लासरूम का, हर एक लैब का, हर एक लान का फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन भी करवा ली। तो जम्मू के समर जोन के अधीन आने वाले इलाकों में स्कूल खुलने के बावजूद इनमें हाजिरी बेहद कम देखी जा रही है और अभिभावक भी यहां बच्चों को स्कूल में भेजने से कतरा रहे हैं। समर जोन में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं और आज दूसरे दिन भी स्कूलों में रौनक नहीं देखी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के मामलों में आई हुई कमी के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला किया था। मैसेज यही है मेरी तरफ से कि हमने बच्चों को अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया हुआ है, तो बच्चे आ रहे हैं लेकिन अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे ये लगा कि मेरे स्कूल में बच्चे मैक्सिमम आउटस्कर्ट से हैं, तो उनको क्योंकि कल छुट्टी भी है तो हम भी अपनी प्रिपरेशन में हैं। कुछ बच्चे तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए बच्चे आ रहे हैं वो तो हमारे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस हमारी थर्सडे से शुरू हो जाएंगी क्योंकि मेरी टेलीफोनिकली बच्चों के पेरेंट्स से बात भी हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि थर्सडे से रेगुलर बच्चे क्लासेस में आ जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है क्योंकि हमारे रूम सैनिटाइज हो चुके हैं, डस्टिंग आज चल रही है और मोर ओवर यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर सैनिटाइजर मशीन हमारी ओके है। उसके बाद हमारे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर ड्यूटीज लोगों की लगी हुई है। मैंने सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं कि बच्चे क्लास में बैठेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके लिए आज हमारे डेस्क अरेंज हो गए हैं, तो बच्चे जब परसों स्कूल में आएंगे तो प्रॉपरली वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके क्लासेस अटेंड करेंगे। तमिलनाडु में एक छात्रा के धर्म परिवर्तन की कोशिश और उसके बाद छात्रा द्वारा कथित तौर पर की गई आत्महत्या के मामले की यहां जांच जम्मू कश्मीर तक पहुंचती हुई नजर आई है कि जांच की बात नहीं हो रही है, आंच की बात हो रही है। आंच अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस पूरे मामले पर तमिलनाडु सरकार के रवैये के खिलाफ जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और परिषद ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर दी। के विद्यार्थी आज भारत की सरकार से यह मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और
पूरे देश के अंदर एक जो है जरा परिवर्तन, एक एंटी कन्वर्जन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए और इस केस की न्यायिक जांच की जाए और उस परिवार को, उस भारत की बेटी को न्याय दिया जाए। आज पूरा देश उस भारत की बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। आज विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता जस्टिस बार लवनिया की बात कर रहा है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उस केस में जो है उस छात्रा को, उस देश की उस बेटी को, उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और इस पूरे घटना के अंदर जो भी लोग हैं, एक मिशनरी स्कूल के अंदर यह पूरी घटना हुई है जहां एक हिंदू बेटी को जो है क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया गया था और उस बेटी ने जो है थक हार कर सुसाइड किया है। लेकिन आज तक तमिलनाडु की सरकार जो है वो इनजस्टिस वहां पूरे परिवार के साथ, पूरे देश, पूरे समाज के साथ आज कर रही है। कब तक वो इस प्रकार की हिपोक्रेसी जो है करती रहेगी? आज विद्यार्थी मुझे यह मांग करती है कि उसके कोई केस की जो है सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ एक नए जांच हो और उस केस के अंदर जितने भी लोग दोषी उनको कड़ी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के बदले बेरोजगारी देने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया है और प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने वोटों के बदले जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया है जिन्हें रोजगार मिलने के नाम पर मायूसी ही हाथ लगी है। पार्टी ने कहा था कि घर घर में नौकरी देंगे लेकिन इन लोगों ने घर घर में बेरोजगारी फैला दी। आज की तारीख में नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ, विश्वासघात हुआ, ज्यादा के प्रधानमंत्री महोदय ने भी 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे इसलिए किए थे ताकि इन युवाओं के वोट हासिल कर सके और वादा खिलाफ भी नौजवानों के साथ की। आज तमाम युवा जो है वो परेशान है, मायूस है। सड़कों के ऊपर इस सरकार ने नौजवानों को बिठा दिया है। उस देश का क्या होगा जहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है वो आज सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नौजवानों के साथ वादे किए जाते हैं, खिलवाड़ किया जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है और पैंथर्स पार्टी नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, इनकी लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, पैंथर्स पार्टी का समर्थन दीजिए ताकि इन बेईमानों को हम यहां से उखाड़ सके और नौजवानों को उनका अधिकार मिल सके। बिश्नोई के सफाई कर्मचारियों ने उनके कामकाज में कुछ वार्ड सदस्यों और स्थानीय लोगों द्वारा दखलअंदाजी करने का आरोप लगा दिया है। सफाई कर्मचारियों ने आज बिश्नोई में प्रदर्शन करते हुए बताया कि कचरा डंप करने को लेकर अक्सर लोग उनके साथ यहां पर झड़प करते रहते हैं और बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते जिससे वो अपने फर्ज को सही से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने कई तरह के यहां पर ऐलान भी किए हैं, भविष्य में वो एक वार्ड का कचरा दूसरे वार्ड में डंप नहीं करेंगे ताकि ऐसी झड़पें भविष्य में पेश न आए। आज की जो मेन हमारी परेशानी है, हमारे बिश्नोई में जो हमारे कचरा पॉइंट है वहाँ पर हमें कुछ लोग जो हमें कचरा नहीं लगाने दे रहे हैं, इस करके हमारे लोग जो आज गुस्से में हैं, परेशानी में हैं। ये वार्ड नंबर 12 से लेकर वार्ड नंबर 5 में नहीं लेके जा सकते। जिसकी जो वार्ड है, जिसकी वार्ड से जो कचरा निकलता है वो वहीं लगेगा, चाहे वार्ड मेंबर गुस्सा हो, चाहे आम नागरिक गुस्सा हो, लेकिन जिसकी गली से, जिसकी वार्ड से जो कचरा निकलेगा, जब दूसरे की वार्ड में हम कचरा लेकर जाते हैं तो आगे से जो उस वार्ड का वार्ड मेंबर है, जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो आगे से गुस्से होते हैं कि हमारी वार्ड में बाहर से कचरा नहीं लेके आना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।